नमस्कार दोस्तों, एडवांस क्लास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं ब्रजेश कुमार करंट अफेयर्स के साथ आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों तैयार हो जाइए करंट अफेयर्स के बेहतरीन क्वेश्चंस बेहतरीन जानकारी के साथ। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन, किस कंपनी द्वारा मुंबई हवाई अड्डा के अड्डे के प्रबंधन का कार्यभार संभाला गया है? दोस्तों आपको याद है हाल ही में काफी एक विरोध भी चल रहा था प्राइवेटाइजेशन का, उसी प्राइवेटाइजेशन के तहत काफी सारे एयरपोर्ट दिए गए थे प्राइवेट कंपनी को, और इस प्राइवेट कंपनी में जो टॉप पर है वो है अडानी समूह। अडानी समूह को लगभग 6 हवाई अड्डों का जिम्मा दिया गया है। अडानी समूह को लगभग 6 हवाई अड्डों का जिम्मा दिया गया है, याद रखिएगा दोस्तों, अडानी समूह। अब हाल ही में इन्होंने क्या करा है, अडानी समूह ने मुंबई हवाई अड्डे का कार्यभार उसका प्रबंधन संभाला है। अडानी गौतम अडानी ग्रुप है दोस्तों ये, तो इन्होंने ही संभाला है, और ये जो कार्यभार इन्होंने संभाला है इसको जो पहले संभाल रही थी वो थी जीवी के समूह। जीवी को जीवी के समूह से ये इन्होंने अधिग्रहण किया है। कौन सा है दोस्तों, अडानी समूह, या फिर इसको आप अडानी समूह भी बोल सकते हो, अडानी समूह भी बोल सकते, जिसके चेयरमैन है और सीईओ हैं गौतम अडानी, और वर्तमान में 6 हवाई अड्डों का ये संचालन कर रहा है। वर्तमान में अडानी समूह 6 हवाई अड्डों का संचालन कर रहा है, और ये जो 6 शहर हैं दोस्तों, अहमदाबाद, लखनऊ, बेंगलुरु, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम और जयपुर, ध्यान रखना ये 6 शहरों में अडानी समूह हवाई अड्डों का संचालन कर रहा है। और 2024 तक नवी मुंबई हवाई अड्डे का संचालन का इसका लक्ष्य है, ध्यान रखना दोस्तों, 2024 तक नवी मुंबई हवाई अड्डा संचालन का इसका लक्ष्य रखा गया है, याद रखिएगा दोस्तों, लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? देखिए दोस्तों 15 जुलाई को मैंने आपको बताया था विश्व युवा कौशल दिवस, कौशल दिवस राइट, और 18 जुलाई को आता है नेल्सन मंडेला अंतरराष्ट्रीय दिवस, नेल्सन मंडेला अंतरराष्ट्रीय दिवस। अंतरराष्ट्रीय दिवस राइट, याद रखिएगा। और 16 जुलाई को आता है स्नैक डे, कोई काम करने वर्ल्ड स्नैक डे, सांपों को आता है वर्ल्ड स्नैक डे। अब 17 जुलाई ये आता है इस दिन, ध्यान रखना दोस्तों, विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, ध्यान रखना विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कहाँ आता है दोस्तों, ये 17 जुलाई को, 17 जुलाई को आता है, ध्यान रखना दोस्तों 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। इसका शुरुआत है ये 1998 में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय को मान्यता देने के लिए, इंटरनेशनल की अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पड़ता है दोस्तों, हैग नीदरलैंड, ध्यान रखना दोस्तों हैग नीदरलैंड, हैग नीदरलैंड में पड़ता है राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट देखिए दानिश सिद्दीकी। दानिश सिद्दीकी दोस्तों अभी हाल ही में इनका अफगानिस्तान के अंदर निधन हो गया है, और अफगानिस्तान में रिपोर्ट करते वक्त इनका निधन हो गया था, और ये थे दोस्तों एक पत्रकार, ध्यान रखना दोस्तों एक पत्रकार, और जो पुलित्जर पुरस्कार विजेता भी हैं, पुलित्जर पुरस्कार विजेता भी हैं, ध्यान रखिएगा दोस्तों। और ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। किस किस में दिया जाता है दोस्तों, ये एक तो साहित्य में और पत्रकारिता में, साहित्य में पत्रकारिता में ये पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। पुलित्जर ये थे पत्रकार जिनका हाल ही में डेथ हो गई है, याद रहेगा, पत्रकार जिनका निधन हो गया है, पुलित्जर पुरस्कार विजेता थे, ध्यान रखना दोस्तों ये पुरस्कार विजेता थे, और रियूटर्स न्यूज एजेंसी के लिए फोटोग्राफर के लिए काम करते थे, रियूटर्स न्यूज एजेंसी एजेंसी में फोटोग्राफर के रूप में ही काम, ये इनकी बेस्ट फोटो जिन्होंने ली थी, ये बेस्ट फोटो राइट, ध्यान रखना सिद्दीकी साहब। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, भारत की पहली पोर टैक्सी का संचालन कहाँ किया गया है? भारत की पहली जो पोर टैक्सी चली है दोस्तों, ये चली है नोएडा में। पोर टैक्सी होती है दोस्तों ड्राइवर लेस, ये है ड्राइवर लेस पोर टैक्सी,
ये फिल्म सिटी से नोएडा तक का सफर तय करेगी। तो ये चले गए नोएडा हवाई अड्डे से फिल्म सिटी तक पोर्ट टैक्सी। याद रखिएगा, पहली पोर्ट टैक्सी मतलब ड्राइवर लेस पोर्ट टैक्सी है, ये ड्राइवर लेस पोर्ट टैक्सी है नोएडा हवाई अड्डे से फिल्म सिटी तक। नोएडा हवाई अड्डे से फिल्म सिटी तक ये चलेगी और इसकी जो लागत आई है दोस्तों वो है 862 करोड़ रुपए और इसकी जो दूरी है दोस्तों वो है 14 किलोमीटर और ये भारत की पहली पोर्ट टैक्सी है। भारत की पहली पोर्ट टैक्सी, ध्यान रखना दोस्तों, भारत की पहली पोर्ट टैक्सी है ये और नोएडा हवाई अड्डे से फिल्म सिटी तक ये चलेगी 862 करोड़ और इसकी दूरी है 14 किलोमीटर। राइट, नोएडा यूपी, ध्यान रखना दोस्तों, नोएडा यूपी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट देखिए पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति, पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति का हाल ही में निधन हो गया है। कौन थे पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति का हाल ही में निधन कौन थे दोस्तों? ये थे ममनून हुसैन। ध्यान रखना दोस्तों, ममनून हुसैन, इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों, इनका जन्म हुआ था आगरा में, इनका जन्म हुआ था आगरा में, लेकिन बंटवारे के बाद ये पाकिस्तान शिफ्ट हो गए थे, पाकिस्तान चले गए थे। ध्यान रखना दोस्तों, ममनून हुसैन नवाज शरीफ और परवेज मुशर्रफ के टाइम पे ये राष्ट्रपति रहे थे। ममनून हुसैन, इनका नाम है ममनून हुसैन, पूर्व राष्ट्रपति, जन्म हुआ था 1940 आगरा में हुआ था और पाकिस्तान के 12वें राष्ट्रपति थे ये दोस्तों, पाकिस्तान के 12वें राष्ट्रपति, जिनका निधन हो गया। और इसके पहले मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान, 14 वनडे में सबसे 23 शतक लगाने वाले। दोस्तों आप अगर क्वेश्चन से क्वेश्चन को जोड़ोगे तो ऑटोमेटिकली आपको याद भी रहेगा, यार ये कंट्री में ये फेमस हुआ था, इस कंट्री में ये लोग फेमस हुए थे। राइट, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट देखिए बोनालू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है दोस्तों तेलंगाना में। ध्यान रखना, ये मनाया जाता है तेलंगाना में, बोनालू महोत्सव। राइट, और ये जो उत्सव होता है दोस्तों, ये बोनालू महोत्सव, ये हैदराबाद और सिकंदराबाद के जुड़वा शहरों में 25 मंदिरों में देवी महाकाली को पारंपरिक बोनम होता है, ध्यान रखना, भोजन इसको कहा जाता है, भोजन पेश किया जाता है, पारंपरिक भोजन पेश किया जाता है। तो ये जो बोनालू महोत्सव है ये संबंधित कहाँ से दोस्तों? तेलंगाना से। ध्यान रखना दोस्तों, किससे संबंधित है ये? तेलंगाना से। राइट, नेक्स्ट देखिए भारत ने किन देशों के साथ TTX 2021 सैन्य अभ्यास किया है? ये एक आपका वर्चुअल सैन्य अभ्यास है, ये कराया इसने श्रीलंका और मालदीव के साथ। ध्यान रखना दोस्तों, श्रीलंका और मालदीव के साथ। और वैसे अगर बात करें भारत श्रीलंका सैन्य अभ्यास का नाम है सलीनैक्स, ध्यान रखना सलीनैक्स, भारत और श्रीलंका। और अगर भारत और मालदीव के इंडिविजुअल की बात करें तो यह है एक्वेरिन, ध्यान रखना दोस्तों, एक्वेरिन भारत और श्रीलंका का एक्वेरिन। राइट, और ये था सलीनैक्स, सलीनैक्स। राइट, ध्यान रखना TTX 2021 सैन्य अभ्यास। इसमें और देखते हैं अपन, ये जो था आपका दोस्तों, इसको कहा गया टेबल टॉप एक्सरसाइज, ट्रिलेटरल टेबल टॉप एक्सरसाइज ऑन मैरिटाइम सिक्योरिटी TTX 2021 श्रीलंका और मालदीव, वर्चुअल त्रिपक्षीय टेबल टॉप अभ्यास। ध्यान रखना, वर्चुअल त्रिपक्षीय टेबल टॉप अभ्यास TTX। और हिंद महासागर क्षेत्र में 3 पड़ोसी देशों के बीच बातचीत पड़ोसी पहल नीति के तहत, पड़ोसी पहल नीति के तहत हिंद महासागर क्षेत्र में 3 पड़ोसी देशों के बीच बातचीत और पड़ोसी पहल नीति के तहत। राइट, ध्यान रखना दोस्तों, TTX सैन्य अभ्यास, TTX सैन्य अभ्यास, इंडिया श्रीलंका एंड मालदीव्स, इंडिया श्रीलंका एंड मालदीव्स। नेक्स्ट देखिए, किसानों के लिए सरकार द्वारा हाल ही में कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? अब किसानों की बात करें दोस्तों, जो कृषि मंत्री हैं कौन है दोस्तों? नरेंद्र सिंह तोमर,
ध्यान रखना दोस्तों, नरेंद्र सिंह तोमर ये हैं आपके कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। तो ये शुरू करा है दोस्तों किसान सारथी, ध्यान रखना शुरू किया गया है दोस्तों किसान सारथी। किसान सारथी शुरू किया है, डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान सारथी लॉन्च बाय फैसिलिटेट फार्मर्स टू गेट राइट इंफॉर्मेशन एट राइट टाइम, राइट इंफॉर्मेशन राइट टाइम राइट। और ध्यान रखना ये किसान सारथी जो है सही समय पर सही जानकारी सुविधा के लिए किसान सारथी डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। और ये पहल जो है दोस्तों दूर दराज के क्षेत्रों में किसानों तक पहुंचने के लिए कि फसल को किस तरीके से बढ़ाना है और किस तरीके से फार्मिंग करनी है पूरी जानकारी इससे संबंधित दी जाएगी राइट। और किसान संबंधित योजना तो इसमें सबको जोड़ा जाएगा। किस राज्य द्वारा गर्भवती महिलाओं के लिए कोविड टीकाकरण अभियान मातृ कवचम शुरू किया गया है, शुरू किया है तो ये शुरू करा है दोस्तों केरल ने, केरल ने शुरू करा है कोविड 19 के लिए कोविड 19 टीकाकरण महिलाओं मतलब उन महिलाओं को लगाने गर्भवती महिलाओं के लिए। तो ये शुरू करा है दोस्तों केरला ने गर्भवती महिलाओं के लिए कोविड टीकाकरण अभियान मातृ कवचम, ध्यान रखना दोस्तों मातृ कवचम केरला ने। और इसके तहत सभी जिला अस्पतालों में टीकाकरण की सुविधा इसके अंदर दी जाएगी। और इसमें खास बात क्या होगा, इसके अंदर ऑन स्पॉट 100 महिलाओं का गर्भवती महिलाओं का रजिस्ट्रेशन होगा और उनको टीका लगाया जाएगा। तो ये राज्य कौन सा है दोस्तों, ध्यान रखना गर्भवती महिलाओं के लिए कोविड टीकाकरण तो ये शुरू करा है मातृ कवचम केरला ने राइट। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेल्सन मंडेला दिवस अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। लास्ट लेक्चर में आपको बताया था 17 जुलाई को क्या आता है दोस्तों, विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। 16 जुलाई को होता है दोस्तों स्नैक डे, क्या होता है दोस्तों स्नैक डे। 15 जुलाई को क्या होता है दोस्तों, विश्व युवा कौशल दिवस, विश्व युवा कौशल दिवस, कौशल दिवस ध्यान रखना। और 18 जुलाई को आता है दोस्तों नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इनको 1993 में नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया गया था, ध्यान रखिएगा दोस्तों नोबेल पीस अवार्ड, नोबेल पीस अवार्ड इनको नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया गया था। ये कब दिया गया था दोस्तों, 1993 में, और काफी प्रचलित भी हैं उनका, फिर कुछ समय बाद फिर डेथ भी हो गई थी। और ये नेल्सन मंडेला ये आता है आपका 18 जुलाई को, ये आता है दोस्तों आपका 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 2009 में पहली बार शुरू हुआ था, ध्यान रखना दोस्तों 2009 में पहली बार शुरू हुआ था और 1918 से 2013 चला था और इनकी डेथ हो गई थी जोहान्सबर्ग में, ध्यान रखना इनकी डेथ हो गई थी जोहान्सबर्ग, जोहान्सबर्ग कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में, ध्यान रखिएगा वहाँ डेथ हो गई थी। और अपने जीवन में मानव अधिकारों के लिए लड़ते हुए इन्होंने काम किया था, रंगभेद नीति के लिए इन्होंने काम किया था और रंगभेद नीति को समाप्त करने में जो इन्होंने काम करा था उसके लिए इनको नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था दोस्तों 1993 में संयुक्त रूप से, ध्यान रखना दोस्तों संयुक्त रूप से दिया गया था राइट। ये थे आपके 10 बेहतरीन क्वेश्चन, 10 बेहतरीन जानकारी के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।